नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 11, परिमेय संख्याओं में भाग व गुणा करना। परिमेय संख्याओं में गुणा और भाग देखिए। पहला प्रश्न है 9/7 × 7/4। यहाँ क्या है? हर का हर में और अंश का अंश में गुणा करना है। ठीक है, देखिए 9 का 7 में गुणा किया, 9 × 7 = 63 और 7 × 4 = 28, यानी -63/28। यह तरीका है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, 7 को 7 से काट सकते, 7 × 7 = 7, ठीक है, ताकि और सरल हो जाता। अगला प्रश्न हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अंश का अंश में यानी 3 का गुणा करेंगे हम 14 में बटे 11 का गुणा किसमें करना है 5 में। ठीक है, क्या 11 का भाग 3 या 14 में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। 5 का जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्या करें, सीधा सिंपल है, 14 को गुणा 3 में कर दीजिए, 14 × 3 = 42 और 11 × 5 = 55। ठीक है, इसको और सरल हम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखिए, 21 का गुणा 22 में करना है, यानी ऋण के 22 × 21 / 11 × 11। क्या देखिए, 11 का भाग 22 में जाता है तो दे दीजिए, ताकि सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा। 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। क्या 2 का भाग कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 2 का गुणा कर दीजिए 21 में, 21 × 21 = 42 और ऋण ऋण क्या हो जाएंगे, धन, समान चिन्हों का गुणा होता है तो धन होता है, और 11 × 1 = 11। ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला क्या है, ऋण 4 का गुणा करना है 5 में, ऋण 4 × 5 / 5 × 12, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा, 4 × 4, 4 का गुणा 1 में किया तो 4 आएंगे, वो भी धन ऋण ऋण, 12 × 12। देखिए 12 में 4 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए, ताकि और सरल हो जाएगा। 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, तो क्या बचा, ऋण का 1/3। नेक्स्ट क्या है, अगला है 1 × 8 / 10 × ऋण 3। क्या देख रहे हैं, 8 और 10 दोनों ही सम संख्या है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, तो 2 × 8 और 2 × 5 = 10, तो क्या बचा, 4 का गुणा कर दीजिए 1 में, 4 × 4 = 5 × 3 = 15 और धन ऋण ऋण के 15। यहां क्या है, ऋण 3 × ऋण 17, अंश का अंश में गुणा करते हैं, 2 × 9। क्या देख रहे हैं, ऊपर 3 है नीचे 9 है, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 3 और 3 × 9, तो क्या बचा, 17 × 1 में कर दिए, 17 × 17 और दोनों ही चिन्ह ऋण के हैं, तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन और 2 × 6। अगला क्या है, 11 × ऋण 1/9 × 10। क्या किसी में भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो क्या करें, गुणा कर दीजिए, 11 × 11 ऋण की 11 आएंगे और 9 × 90। अगला क्या है, ऋण 1 का गुणा करेंगे हम 8 में और 2 का गुणा करेंगे 7 में, लेकिन ऊपर किसी में भाग जा रहा है कि बिल्कुल जा रहा है, 2 का भाग 8 में जा रहा है, तो दे दीजिए, 2 × 2 = 8, तो क्या होगा, 4 का गुणा 1 में कर दीजिए, 4 × 4 धन ऋण ऋण और 7 × 7। ठीक, अब यहां पर क्या है, ऋण 2 / 1, तो ऋण 2 का गुणा होगा 3 में और 1 का गुणा होगा 2 में, परंतु ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, तो भाग दे दीजिए, 2 × 2 = 2, तो क्या बचेगा, 3 का गुणा कर दीजिए 1 में, 3 × 3 और धन ऋण ऋण और 1 × 1। ठीक है, उत्तर क्या है, ऋण 1 है, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता रहती नहीं है। अगला क्या है, 8 ×
एक बटे पांच गुणित पांच, आठ एकम आठ और पचम पच्चीस। ठीक है, यह थे कुछ गुणे के सवाल जिसमें क्या है हमने थोड़ा सरल करते हुए हल करते चले, सरल करने से क्या सवाल थोड़े सरल हो गए। आगे देखते हैं हमारे समक्ष प्रश्न है और प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोल रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 183 बटे 5 मीटर एवं चौड़ाई 50 बटे 3 मीटर, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, एक आयताकार पार्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई दी है 183 बटे 5 गुणित चौड़ाई कितनी दी है 50 बटे 3। ठीक है, 183 का गुणा करना है 50 में और 5 का गुणा करना है 3 में। इससे पहले नीचे वाली किसी संख्या का ऊपर किसी में जा रहा है क्या भाग, बिल्कुल जा रहा है, 5 का भाग 50 में जाता है। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और ये 0। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा 183 में करेंगे तो क्या आएगा, एक का गुणा किसी में भी करें तो संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 183 एज इट इज और ये शून्य लगा देंगे तो ये 10 का गुणा हो गया। और नीचे क्या है 3 एकम 3। ठीक है, ये है हमारे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया 1830 बटे 3 और मात्रक क्या रहेगा मीटर, परंतु इसका भी मात्रक मीटर था, इसका भी मीटर था, तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, यानी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आया 1830 बटे 3 मीटर वर्ग मीटर, परंतु क्या इसमें 3 का भाग ऊपर जा रहा है क्या, 3 का भाग जाए नहीं जाए इसका कैसे पता चलता है, तो इनका बीजांक निकालना पड़ता है, 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 12 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो दे दीजिए आप 3 एकम 3, 3 छम 18, 3 एकम 3 और 3 शून्यम 0। तो क्या है आपका उत्तर, वास्तव में उत्तर आया आपका 610 वर्ग मीटर उस पार्क का क्षेत्रफल रहेगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई थी। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न है हमारे समक्ष एक हवाई जहाज एक घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 25 बटे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। क्या दिया गया है, एक हवाई जहाज एक घंटे में तय की गई दूरी हमें दी गई है, क्योंकि हवाई जहाज एक घंटे में दूरी तय करता है, कितनी करता है 1020 किलोमीटर, इसलिए 25 बटे 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, एक घंटे में दूरी तय करता है 1020 किलोमीटर, तो 25 बटे 6 के साथ इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या 6 का भाग 25 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या इसमें जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, क्यों, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, कम से कम 2 का तो जाएगा, तो 2 का ही दे दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंजा 10 और 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0। ठीक है, क्या अब 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है,
तो कैसे पता करते हैं, इनका बीजांक निकालते हैं, 5 और 1 6, और 6 में 3 का जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो दे दीजिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 2 6 ज्यादा हो जाएंगे, थे कितने यहाँ पर 5, तो 3 एकम 3, यहाँ से बचेंगे 2, तो अगले स्टेप में हो जाएंगे 21, 3 7 21, ठीक है, और 3 0 0, तो क्या बचा 170 गुणित 25, 170 में 25 का गुणा कर दीजिए, 25 0 0 और 25 7 होते हैं 175, 175 के 175 और 175 का 5 हासिल के 17, और 25 एकम 25 और 25 व 17 कितने हो जाएंगे 25 और 10 होते हैं 35 और 35 और 7 हो जाएंगे आपके 42 किलोमीटर, यानी 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा हवाई जहाज 4250 किलोमीटर। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार हमने परिमेय संख्याओं का गुणा किया है वैसे ही भाग करते हैं, बस अंतर क्या होता है, अंतर यह होता है जिस पर 3/13 गुणा ऋण भाग ऋण 4/65 में करता है, तो ये 3/13 ये भाग को हमने बना दिया गुणा, तो जो अंश में रहता है उसे हर में कर देंगे, जो हर में रहता है उसे अंश में कर देंगे, यानी ऋण 4/65 था तो 65/4 हो जाएगा, ठीक है, और 13 से भाग दिया 65 में 5 बार जाएगा 13 5 65, और इसका गुणा कर दिए 3 5 15 और 4 एकम 4 धन ऋण ऋण। उसी प्रकार ऋण 3/5 का भाग 2/कुछ नहीं है, किसी के बटे कुछ नहीं हो तो उसका मतलब 1 होता है, तो ऋण 3/5 ये भाग को हमने गुणा बनाया तो 2/1 क्या हो जाएगा 1/2, और 3 का गुणा 1 में कर दिया 3 एकम 3 और धन ऋण ऋण और 5 दुना 10। उसी प्रकार ऋण 7/12 भाग को बनाया गुणा तो क्या हो जाएगा ऋण 2/13 हो जाएगा 13/2, ठीक है, और 13 7 91 धन ऋण ऋण और 12 दुना 24। अगले सवाल में क्या है, ऋण 1/8 भागित 3/4 था तो गुणित क्या हो जाएगा 4/3 और 4 एकम 4 और 4 दुनी 8, तो क्या बचेगा ऊपर 1 और ऋण 1 है तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और धन ऋण ऋण 2/6। अगला क्या है, ऋण 4/2/3, तो देखिए किसी के बटे कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, तो ऋण 4/1 भाग को बनाया गुणा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 3/2, 2 से 4 में भाग जाता है तो दे दीजिए आप 2 एकम 2 2 दुनी 4, तो क्या बचा 3 गुणित 2 तो 3 दुनी 6 धन ऋण ऋण बटे क्या रहेगा 1 एकम 1 को नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर क्या है आपका ऋण 6। अगला क्या है, ऋण 2/13 भाग को बनाया गुणा तो 1/7 क्या हो जाएगा 7/1 लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख दो फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का भाग किसी में जा रहा है नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा तो गुणा कर दीजिए हर अंशकांश में और हर का हर में, 7 दुनी 14 और धन ऋण आपका ऋण 13 एकम 13। यहाँ क्या है 6/5 भाग को बनाया गुणा तो ऋण 2/3 क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, 2 से 6 कटता है, बिल्कुल कटता है, 2 एकम 2 2 3 6 तो ऊपर क्या बचा 3 गुणित 3 3 3 9 और 5 एकम 5 और ऋण ऋण धन हो जाए, तो उत्तर आया आपका 9/5। अगला क्या है, 2/3 भाग को बनाया गुणा तो ऋण 8/7 हो जाएगा 7/8, 2 एकम 2 2 चौक 8 तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 3 चौक 12। अगला क्या है, 6/7 भाग को बनाया मैंने गुणा
तो 7/5 क्या हो जाएगा, 5/7, ठीक है। और किसी में भाग जा रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, तो गुणा कर दीजिए, 6 50 30 और साथ ही साथ ही 49, ठीक है। आशा है ये सवाल आपको समझ में आएंगे, जैसे गुणा किया था वैसे के वैसे भाग करेंगे, बस अंतर ये है कि जैसे ही भाग करेंगे अगले स्टेप में क्या होगा, अंश को हर, हर को अंश बना देंगे, यानी उलट गुणित कर देंगे। अब प्रश्न है हमारे समक्ष, किसी कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कमरे का क्षेत्रफल दिया गया है, कमरा कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया है, 261/4, और आयताकार कमरे का क्षेत्रफल वास्तव में होता क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 261/4। लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है, दी क्या, अरे लंबाई तो ज्ञात करनी है, तो लंबाई को एज इट इज छोड़िए, चौड़ाई दी है क्या, बिल्कुल चौड़ाई दी है, 19/3 बराबर क्या चल रहा है अपना, 261/4। तो लंबाई को एक तरफ रखिए क्योंकि लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, 261/4 क्या भूल रहे हैं हम, अरे हम भूल रहे हैं 19/3। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो जो अंश में था वो हर में चला जाएगा, जो हर में था वह अंश में चला जाएगा, क्या होगा आपका, 3 यहां आ जाएगा और 19 यहां चला जाएगा, यानी 19 गुणे में था तो भाग में चला गया और 3 भाग में था तो गुणे में चला गया, ठीक है। अब क्या करें, गुणा करना है, क्या 4 का भाग ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्या 19 का जाता है क्या, 19 का 261 में भाग जाता है क्या, तो भैया 19 का या 4 का ऊपर वाले किसी संख्या में भाग नहीं जा रहा, तो गुणा ही करना पड़ेगा, 3 का गुणा कर दिए 261 में, तो 3 × 3 3 6 18 18 का 8 हासिल का 1 3 × 2 = 6 और हासिल का 7 783/19 का गुणा 4 में कर दीजिए, 19 का पड़ा नहीं आता तो 4 का आता है, तो 4 का गुणा कर दीजिए 9 में, 4 × 36 = 6 हासिल का 1 और 4 × 4 4 × 3 7 यानी 19 × 76, ठीक है। तो लंबाई क्या आई, 783/76 मीटर, यानी आयताकार कमरे की लंबाई 783/76 मीटर आई। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न है हमारे समक्ष, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को 26 बराबर बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो तार के टुकड़ों की लंबाई क्या होगी, हमारा तार कितना लंबा है, 143/2 बराबर टुकड़ों में बांटना है, यानी क्या करना है, 26 का भाग करना है, ठीक है। हम यहां गुणा कर रहे थे क्योंकि बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है ना, तो 26 का हमें भाग करना पड़ेगा, तो 143/2 भाग को बनाया हमने गुणा, तो ये 26 क्या हो जाएगा, 26 के बटे कुछ नहीं तो 1 हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो 1/26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या 2 का भाग 143 में जाता है क्या, नहीं जाता है, क्या 26 का भाग 143 में जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता है, उस दशा में क्या करें, 143 और 26 × 52, ठीक है। तो तार के टुकड़ों की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 26 टुकड़े होंगे और उनकी लंबाई होगी 143/52
बावन मीटर। ठीक है, किया क्या भाई, जो तार था उसके 26 बराबर बराबर टुकड़े करने थे तो 26 का भाग लगा दिया। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि आपको प्रश्न सारे समझ में आए हो तो वीडियो लाइक भी कर दिया करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।